आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ। आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है विच इज साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ ही में लिखा हुआ है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है। अब हम सोचे कि भाई ये आया कैसे। बहुत सिंपल है, साइन टू थीटा लिखा हुआ है, हमें साइन ए प्लस बी पता होता है ना, साइन ए प्लस बी पता होता है, तो वहां पे क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए और बी दोनों को थीटा रख दूं तो मिल जाएगा साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस थीटा, यानी कि मेरे को मिलेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अगेन कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों एक ही चीज हो गई, तो आ गया टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करा इस साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में, मैंने सिर्फ ए की जगह भी थीटा रख दिया और बी की जगह भी थीटा रख दिया, तो ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो गया। बहुत ज्यादा यूजफुल हैं ये फॉर्मूलास, तो ये हो गया। अब आप सोचें कि भाई ये टू टेन थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहां से आया, तो हमारे पास ऑलरेडी ये आ चुका है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें पहले से ही पता है कि भाई साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू वन प्लस, ओके एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते इसको, सेक स्क्वायर थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब ये सेक स्क्वायर थीटा एक्चुअली में आइडेंटिटी जो है वो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही होती है, तो एक्चुअली में ये कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, है ना, लेकिन फर्क का पड़ा। अब आप देखिए ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर ऑलरेडी आ चुका है, सेक स्क्वायर थीटा में एक सेक थीटा और एक कॉस थीटा जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अब और आपके पास बचेगा ये। अब एक बचा सेक थीटा, ये यहाँ पे साइन थीटा के साथ जाके, तो सेक थीटा को हम कैसे लिख पाएंगे, वन अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और नीचे ये है ही आपके पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मूले आपको मिल गए साइन टू थीटा के, टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इज इक्वल टू टू टेन थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई कैसे यूज कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दिया साइन सिक्स एक्स, इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, तो मैं इसे लिखूंगा साइन टू इंटू थ्री एक्स, और उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से लिख दूंगा टू साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स, या फिर मैं उसे लिखूंगा टू टेन थ्री एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थ्री एक्स। इस तरीके से मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ऐसे ही अगर सिर्फ साइन थीटा लिखा हो, मान लीजिए अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा लिखा है, तो मैं उसको भी इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे लिख सकता हूं, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो ये हमारा यूज है इस फॉर्मूले को। अब जैसे हमने साइन टू थीटा का फॉर्मूला किया था बिल्कुल वैसे ही अब हम करेंगे कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। अब कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको याद है कॉस ए प्लस बी क्या होता था, कॉस ए प्लस बी होता था
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब अगेन जैसे पिछले फॉर्मूला में हमने ए और बी दोनों की जगह थीटा रख दिया था, तो यहां पे भी रखेंगे, तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। बस सिर्फ आपको क्या करना है, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला में ए और बी की जगह थीटा रखना है। और एग्जैक्टली उसी वे में हम अगर यहां पे sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, तो यहां पे एक और फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो जाएगा जो कि होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सोचें इस cos स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर की थीटा की जगह रखा और ये साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ऐसे ही मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दूं तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखो कॉस 2 थीटा के चार फॉर्मूले आ गए आपके पास, एक ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर और ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब के सब किसके फॉर्मूले हैं, कॉस 2 थीटा के लिए फॉर्मूलाज हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज होंगे खासकर इंटीग्रेशन में जब आप आओगे ना वहां पे, तो मतलब इन्हीं का यूज हो रहा होगा। अच्छा अब देखो मान लीजिए मैं फिर आपको इसका फॉर्मूला का यूज बता देता हूं, तो कोई क्वेश्चन ले लें एक, अगेन सिंपली ले लेते हैं कॉस 4x, ठीक है, तो कॉस 4x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 2 इंटू 2x, तो अभी ये कॉस 2 थीटा हो गया, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर 2x, ठीक, या मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, या मैं इसे लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1। मैं सारे फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, ये पहला, ये एक और एक और, या फिर मैं 10 की फॉर्म में लिख सकता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x। इस तरीके से इन चारों फॉर्मूलास को मैंने आपको यूज करके दिखा दिया। अब इन्हीं फॉर्मूलास का जो सबसे बड़ा यूज होता है वो कैसे, घुमा फिरा के कैसे यूज होता है जरा ये देखना, ठीक है, हमारे पास होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थोड़ा सा घुमाएं तो क्या बना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहां से मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है, एक तो ये यूज हुआ। इस तरह से घुमा घुमा के ना बहुत यूज होता है इनका फॉर्मूलाज का। अच्छा और खास करिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो रटा ही होना चाहिए आपको, ठीक है, ऐसे ही आपके पास है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है ये वाला। अब यहां से फिर से इसको मैं यूज करूं तो क्या होगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर से मैं लिख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
वन प्लस कॉस टू थीटा ओवर टू, तो इसका मतलब क्या हो, वन माइनस कॉस टू थीटा आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा आ जाएगा आपके पास टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस वे में बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंटरचेंजेबली, क्वेश्चंस में कभी कुछ रखना पड़ता है आपको, कभी कुछ रखना पड़ता है। अब आपको अगर ये याद है तो ही आप इनको कर पाएंगे। कुछ और देखो इन्हीं फॉर्मूलाज का, और थोड़ा सा हेर फेर देखें, तो वन माइनस कॉस टू थीटा ओवर साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू टेन थीटा। क्या आप लोग इसे खुद प्रूव कर सकते हैं, कोशिश करिए एक बार। देखिए वन माइनस कॉस टू थीटा, अभी अभी मैंने आपको पिछले पेज पे दिखाया, देखो वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से टू कैंसिल हुआ, एक साइन से ये कैंसिल हुआ, बच गया आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा, आंसर आ गया टेन थीटा। तो ये आपका सिंपल यूज ऑफ दिस फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, इसीलिए इनको इसमें मैं करके भी दिखा रहा हूं कि पता नहीं कब यूज हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। उस वक्त आप बनाने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना, तो इसीलिए मैं आपको बना बना के दिखा रहा हूं। तो अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं ऐसा कहूं कि वन प्लस कॉस टू थीटा ओवर साइन टू थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, वो कॉट थीटा बन जाएगा। कैसे भाई, वन प्लस कॉस टू थीटा जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा वहां पे रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अगेन टू साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो वही आपके पास आंसर आ जाएगा। और सोचें, एक और फॉर्मूला सोचें, तो वो होता है वन माइनस कॉस टू थीटा ओवर वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू होगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा भाई, आप अगर मैं इसको बोलू इक्वेशन वन और इसको बोलू इक्वेशन टू, तो वन बाई टू कर दो आप, तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा आएगा। देखो वन माइनस कॉस टू थीटा न्यूमरेटर में दिन, और साइन टू थीटा और साइन टू थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए वन प्लस कॉस टू थीटा को आप टू कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, अभी पीछे हमने कराई है, और साइन टू थीटा को फिर से टू साइन थीटा कॉस थीटा रख दो, तो फिर से टू कैंसिल हुआ, एक कॉस से ये स्क्वायर वाला कैंसिल हुआ, तो क्या बचा आपके पास, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और वो होता है कॉट थीटा। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी फॉर्मूला है, तो वन, एक फॉर्मूला वन हो गया और एक फॉर्मूला टू हो गया। इन दोनों को आपस में आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या आप क्या आ रहा होगा यहाँ पे, आप जब इसको डिवाइड कर रहे होगे तो टेन थीटा ओवर कॉट थीटा आ रहा होगा, तो कॉट थीटा को फिर से आप कैसे लिख लोगे, टेन थीटा इंटू टेन थीटा आ गया टेन स्क्वायर थीटा, यही तो है, सीधा सीधा फॉर्मूला का यूज है ये, है ना। अब आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी पता है, टेन ए प्लस बी, अब उसी फॉर्मूला में अगर ए और बी की जगह मैं फिर से थीटा रख दूं, तो हमारे पास आ जाएगा टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे आया, फिर से याद दिला देता हूं, चलिए आपके पास
टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला मैंने आपको बोला वो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी। अब टेन ए और टेन बी, ए और बी दोनों की जगह मैं थीटा रख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टेन थीटा प्लस थीटा, यानी कि टेन टू थीटा, और यहां पे क्या होगा, टेन थीटा, ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा। तो क्लियरली दिख रहा है न्यूमरेटर में दो टेन थीटा हो गए तो टू टेन थीटा, और यहां पे हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल वही फॉर्मूलाज का यूज है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। एक और फॉर्मूला, ये आपको कम दिखेगा लेकिन इसका भी यूज होता है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टू कॉट टू थीटा। अब ये कैसे आएगा ये सोचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जी, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टू कॉट टू थीटा लिखा हुआ है। कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये बना, एलसीएम ले लिया जाए तो ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला अभी भी नहीं आया तो मैं क्या करूं, टू से मल्टीप्लाई किया ऊपर और टू से डिवाइड कर दिया, तो ये बात एक ही है। लेकिन जैसे मैंने टू न्यूमरेटर में मिला मुझे, मेरे पास आ गया टू कॉस टू थीटा, और टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन टू थीटा। और अब देखिए, कॉस टू थीटा ओवर साइन टू थीटा हो जाएगा कॉट टू थीटा, और टू ऑलरेडी है आपके पास, तो टू कॉट टू थीटा, ये आपका फॉर्मूला का डेरिवेशन। कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलास। तो सबसे पहला एक छोटा सा सवाल, शो दैट साइन टू थीटा ओवर वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो अब अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला एलएचएस में लगा देता हूँ। एलएचएस में मैंने साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, वो जो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, आज का हमारा पहला फॉर्मूला यही था। और वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा मैंने आपको बताया था टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, टू से टू कैंसिल हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास बचा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ गया टेन थीटा। बहुत ही सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू, ये हमें शो करना है। एक बार आप लोग जरा कोशिश करिए। अब देखिए, वन प्लस साइन थीटा कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमको नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। हमें तो ये पता है साइन थीटा को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं ताकि आप लोग याद रखें,
साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता था, तो साइन थीटा को भी मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू लिखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको साइन सिक्स थीटा या साइन सिक्स एक्स का फॉर्मूला लिख के दिखाया था, भाई अगर दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे सोच लो, साइन टू इंटू थीटा बाई टू, अब आपको दिख जाएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला कैसे लिखा, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हमें वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा पता है, लेकिन अगर वन माइनस कॉस थीटा है तो वो क्या बनेगा फिर, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। सेम वे वन प्लस कॉस थीटा बाई टू जो बनेगा वो बनेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। आई एम श्योर ये चीज आपको समझ में आई, नहीं आई तो आप मुझसे पूछ ले एक बार। अगर ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए तो बहुत सिंपल हो गया। आप देखिए वन माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसकी जगह मैं अभी लिख रहा हूं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और वैसे भी देखो राइट हैंड साइड में आपको दिख जाना चाहिए थीटा बाई टू है, तो वही बनाना है हमको किसी तरीके से। अब थीटा की जगह थीटा बाई टू और वो फॉर्मूले से हमें दिख ही रहा है, ओके। और ये बचा साइन थीटा, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। नीचे न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या आया, अब ये वन और ये प्लस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ओके सॉरी यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा होना चाहिए नॉट की थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, अगेन टू साइन थीटा की जगह टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अब न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है देखें, टू साइन थीटा बाई टू कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया तो बचा यहां पे साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय, यहां पे कॉमन आ रहा है टू कॉस थीटा बाई टू, यहां से बचा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। अब देखिए ये सिंपल है, ये टू से टू कैंसिल हुआ, ये वाला टू और ये वाला टू, ये पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा अब साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू और जो बन गया टेन थीटा बाई टू। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लें, ये क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट कॉस टू थीटा ओवर वन प्लस साइन टू थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, ऐसा आपको प्रूव करना है। एक बार कोशिश करिए आप लोग। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि भाई 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का मतलब क्या है, भाई 10 ए माइनस बी लिखा हुआ है इसको, है ना, तो 10 ए माइनस बी, तो 10 ए माइनस बी कैसे, इसको एक्सपेंड कर लो तो क्या बनेगा आपके पास, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे बस। तो आर एच एस को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो क्या होगा 10 पाई बाई फोर माइनस टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा, यही बनेगा 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला। अच्छा 10 पाई बाई फोर का मतलब 1045 यानी कि 1 माइनस टेन थीटा, चाहिए यहाँ पे प्लस होगा 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। तो राइट हैंड साइड अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ये आता है। अब सोचना है कि क्या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से मैं क्या इस पे पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता। और एक चीज और बता रहा हूं, अब ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए,
टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा अगर लिखा है तो उसका आंसर ये आएगा, वन माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा। या अगर आपके पास टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा लिखा है तो मैं अगर उसको एक्सपांड करूंगा तो वन प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन थीटा आएगा। अब ये चीजें क्या है, ये आपको प्रैक्टिस से ही याद होंगी, पर ये याद होनी चाहिए, दिमाग में इसकी इमेज आपके पास होनी चाहिए। या उल्टा सोचना है कि अगर ये वन प्लस टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन थीटा आ गया है तो ये आंसर मुझे पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर मेरे पास ये चीज आ गई वन माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा, तो उसका आंसर जो आना चाहिए वो, अगर उल्टा जा रहा हूं तो वो टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा होना चाहिए। ये चीजें इस तरह की हैं जो आपके दिमागों में फिट होनी चाहिए धीरे धीरे, है ना, और वो तभी होंगी जब आप खूब सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। चलिए अब आप बाकी का हिस्सा करिए। राइट, अब हमें ये पता है आरएचएस से क्या मिल गया, ठीक है। अब एलएचएस को देखते हैं कि क्या हम उससे यहां पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कॉस टू थीटा है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला एक हमने देखा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं और देखेंगे कि हम आरएचएस पे पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। तो कॉस टू थीटा इसको यूज कर रहा हूं, तो कॉस टू थीटा भी हमने पढ़ा था, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर वन प्लस साइन टू थीटा। तो पहले तो मैं साइन टू थीटा को देखो, अच्छा साइन टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब बचा ये वन, इस वन को, अच्छा वन मुझे पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं वो लिख देता हूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लिखा मैंने ऐसा। अच्छा अब आप देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको मैं लिख देता हूं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाई। अच्छा ये जो डिनोमिनेटर बन गया, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप की चीज बन गई, तो ये बेसिकली क्या बन गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये। अब आप देखिए ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और इसमें अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, हर टर्म को डिवाइड कर देता हूं कॉस थीटा से, तो क्या बनेगा, वन माइनस टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन थीटा बन जाएगा। बोलिए जी, ये चीज समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? ओके, ये हो गया। मान लीजिए मुझे ये स्ट्राइक नहीं किया, फिर क्या करें, तो कुछ और तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं और फिर उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे ओके जी, अब इसी क्वेश्चन को, अब देखो मुझे ये पता है कि राइट हैंड साइड में टेन थीटा है, तो मुझे कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा के डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता है जिससे कि टेन आता है। तो कॉस टू थीटा था वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आज ही के लेक्चर में ये आपको फॉर्मूला बताया गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला बताया था, टू टेन थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
नीचे एलसीएम ले लेते हैं आप, ठीक है। ये मैंने सीधा सीधा कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा के फॉर्मूले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए भाई। तो अब न्यूमरेटर में तो मेरे पास अभी भी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम ले लेता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2n थीटा, ठीक। अब ये और ये सेम है, ये गोए कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, ऊपर बचा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं फिर से a माइनस बी और a प्लस बी लिख लेता हूं, तो 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, ये मेरे पास बन गया। और ये चीज क्या बन गई, ये तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, अब होल स्क्वायर और ये कैंसिल हो गए हैं, आ गया आपके पास ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। तो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि आप कहां से शुरू होते हैं, किस वे में शुरू होते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। चलो सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से करने की कोशिश करता है। मैं फिर से क्लेम कर रहा हूं, थर्ड वे ऑफ सॉल्विंग दिस सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं कि नॉट नेसेसरीली कि हर एक कोई एक ही तरीके से अप्रोच करेगा, आप कोई और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, दूसरा बच्चा कोई और तरीके से अप्रोच कर सकता है, एज लॉन्ग एज यू आर अप्लाइंग द राइट मेथड्स आंसर आएगा, ठीक है। और सोचे तो अब क्या हुआ, यहाँ पे cos 2 थीटा है 1 अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा, और यहाँ पे जो है ये है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, यानी कि 10 है तो इसका मतलब न्यूमरेटर में साइन चाहिए और डिनोमिनेटर में कॉस होना चाहिए, जबकि हमारे पास जो है न्यूमरेटर में कॉस है और डिनोमिनेटर में साइन है। तो भैया बदलो, तो क्या किया जाए, कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा आपने 10th क्लास से ही सीख रखा है। अच्छा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको मुझे कॉस में बदल देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये फॉर्मूला लगाया। अब एक काम किया जाए, 2 बाहर निकालने की कोशिश करता हूं बाहर, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसको फॉर्मूले को चेंज करना है। तो साइन 2, अब अगर मैं 2 इस ब्रैकेट से बाहर निकालू तो कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो पाई बाई 4 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस, 2 बाहर निकाला ब्रैकेट से तो ये दिखेगा अगेन आपको पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब मेरा फॉर्मूला लगने को तैयार है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं न्यूमरेटर में लगा रहा हूं, तो साइन 2 और थीटा की जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो क्या होगा 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ओके 1 प्लस कॉस को तो मैं चेंज ही करना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ये वाला साइन से ये होल स्क्वायर कैंसिल, ओके गलत कर दिया, यहां पे गलती कर दी मैंने, आपका जो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो वो मैंने गलत लिख दिया, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर वाला ये इससे कैंसिल होगा, तो आपके पास बचा साइन
पाई बाई फोर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा आ गया आपके पास 10 पाई बाई फोर माइनस थीटा। आपकी बारी सीधा ही आ गया, ये आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन है 10 पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू प्लस 10 पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल टू 2 sec थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि 10 पाई बाई फोर प्लस थीटा अगर लिखा है तो आप उसको कैसे फटाफट लिख पाएंगे, नहीं तो आप नॉर्मल एक्सपेंड कर सकते हैं, तो करिएगा इसको। आपके पास एक और होमवर्क क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई एट प्लस थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई एट माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई फोर इंटू साइन थीटा बाई टू। इसको भी करिएगा आप लोग, निहायत ही आसान सा सवाल। तो क्या कह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू हाफ है तो कॉस टू ए इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या होगा सर। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, कॉस टू ए का फॉर्मूला भी अभी हमने सीखा है, तो कॉस टू ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो सीधा अप्लाई करते हैं तो 2 कॉस ए हमको दे रखा है हाफ तो उसका स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया तो 2 इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 2 माइनस 1 यानी कि आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2। ये इस तरीके से आप फॉर्मूलाज यूज करेंगे। एक और एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड साइन 2a अब देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है, साइन 2a निकालना है, सबसे पहले तो हम साइन 2a का फॉर्मूला लिख डालते हैं अपना, तो साइन 2a होगा 2 साइन ए कॉस ए। ऑलराइट, अब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, तो अब साइन ए इज इक्वल टू 3/5 है तो हमें कॉस ए निकालना है, तो ये तो ट्राइंगल बना लेते हैं हम ना, ये हो गया हमारा a, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 4। ठीक है, तो कॉस ए जो होगा वो 3/4 होगा, सॉरी 3/5 होगा, तो 10 हो जाएगा वो, तो 3 बाई कॉस ए होगा 4/5, और कुछ और रहा हूँ लिख कुछ और रहा हूँ ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू हो गया 4/5। अब जरा देखो, मैंने आपको शुरू शुरू में ही बताया था, सेकंड लेक्चर में ही हुआ होगा ये बात, कि अब जब भी आपके पास आंसर आएंगे दो आंसर आएंगे क्योंकि साइन ए पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होगा, तो वहां पे आंसर आपको क्या मिलेगा प्लस माइनस 4/5 यानी कि कॉस के 2 आंसर आएंगे आपके पास, तो बस अब उसको आप यूज करें, तो 2 साइन ए हो गया 3/5 और कॉस ए हो गया प्लस माइनस 4/5, तो ये आपका आंसर आ गया प्लस माइनस 24/25। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 तो टेन ए बाई टू इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है, मतलब टेन ए बाई टू की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 दे रखा है। चलिए जी शुरू करते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 है, टेन ए बाई टू की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 10a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2a, प्रूव भी किया था हमने इस फॉर्मूले को, ओवर साइन 2a, ठीक है, ये 10a का फॉर्मूला था, तो इसका मतलब 10a बाई 2 अगर रख दूं, a की जगह a बाई 2 रखूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस a ओवर साइन a। अब कॉस है मुझे ऑलरेडी पता है, साइन है ढूंढ लेता हूं, तो ऑब्वियसली वैसे तो हम सीधा भी
निकाल ही सकते हैं, पर बना के दिखा देता हूँ। ये ए है आपके पास, ये फोर है, ये फाइव है, ये थ्री आएगा। तो यहाँ से मैं साइन ए लिख लूंगा 3/5, पर सेम लॉजिक की दो क्वाड्रेंट में आएगा तो आंसर हमेशा प्लस माइनस आता है, तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो 10a/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos a है हमारे पास 4/5, और साइन ए है हमारे पास प्लस माइनस 3/5। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। तो 1 - 4/5 इज 1/5 ओवर प्लस माइनस 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आ गया आपके पास प्लस माइनस 1/3। ये आपका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे।